आर्मेचर में दो प्रकार की वाइंडिंग की जाती है, एक होती है लैप वाइंडिंग और एक होती है वेब वाइंडिंग। जो फील्ड वाइंडिंग आपको दिख रही है, फील्ड वाइंडिंग का काम होता है मैग्नेटिक फ्लक्स को जनरेट करना, और मैग्नेटिक फ्लक्स के सेंटर में रहता है हमारा आर्मेचर। आर्मेचर जब मूवमेंट करेगा तो फ्लक्स के कारण इसमें क्या होगा, ईएमएफ जनरेट होगा। आज हम जो प्रैक्टिकल करेंगे वो होगा डीसी मशीन के ऊपर। डीसी मशीन एक्चुअल में होता क्या है कि जो भी जितने भी मोटर होती हैं डीसी और जनरेटर होती हैं, दोनों ही डीसी मशीन कहलाते हैं। तो ये जो हम इसको आज प्रैक्टिकल में पूरा एक्सप्लेन करेंगे, इसके सारे पार्ट्स को एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो इसमें आपकी मोटर जनरेटर दोनों आ जाएंगी और सारे टाइप भी आ जाएंगे, कंपाउंड टाइप, सन टाइप, सीरीज टाइप। किसी भी मोटर को ओपन करने में या उसके पार्ट्स को असेंबल करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए हमने डीसी मशीन बोला है इसको। और डीसी मशीन में हमने डीसी जनरेटर कंपाउंड टाइप सिलेक्ट किया है, तो इसको हम क्या करेंगे, आज पूरा ओपन करेंगे, एक एक पार्ट्स एक्सप्लेन करेंगे। इसके लिए हमें कुछ औजार की आवश्यकता होगी, जिसमें ये बैरिंग पुलर है, प्लायर, स्क्रू ड्राइवर, कुछ स्पैनर चाहिए और हैमर चाहिए और एलन की चाहिए। स्टार्ट करेंगे हम यहाँ से, ये इसको खोलेंगे, इसी तरह का एक कवर यहाँ भी लगाऊंगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो एंड कवर होते हैं इसको निकालने के लिए ये वाले जो बोल्ट हैं इनको खोल लेंगे। चार चार बोल्ट होते हैं तो हमने दोनों साइड के ओपन कर लिए। अब हम क्या करेंगे, इसके दोनों साइड के जो एंड है, एंड कवर, इनको हम रिमूव करेंगे। तो सावधानी जो हमें रखना है वो ये है कि ये जो इसकी बॉडी है ये ढलवा लोहे की होती है और ढलवा लोहा बहुत ही कमजोर होता है, तो हमें क्या करना है, जब हम इसमें हैमर से ठोकर मारेंगे तो हमें क्या ध्यान रखना है कि वो ज्यादा जोर से नहीं मारना है, इसको सॉफ्टली धीरे धीरे से ठोकना है और इसके दोनों साइड एक जैसा ठोकना पड़ेगा। यदि हम इसको ज्यादा जोर से ठोकेंगे तो ये इसकी जो बॉडी है ये टूट जाएगी और इसमें वेल्डिंग भी नहीं होती ठीक से, अगर वेल्डिंग करेंगे भी तो ठीक से वेल्डिंग भी नहीं पकड़ता है। इसलिए आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट सेफ्टी है वो ये है कि इसको तोड़ना नहीं है, इसका अपन को प्रैक्टिकल तो करना है लेकिन इसमें कोई भी नुकसान नहीं करना है, इसलिए इसको हम आराम से ही ओपन कर सकते हैं। इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसका जो ब्रश का पूरा सिस्टम लगा हुआ है, असेंबलिंग है, यहाँ से इसको ओपन करेंगे, ये दोनों साइड के नट बोल्ट हम क्या करेंगे इसको खोल देंगे। इसके नीचे भी एक बोल्ट लगा हुआ है, आपको एक और सावधानी है जो इम्पोर्टेंट है, हम जितने भी मशीन के पार्ट्स खोलते जाएंगे इन सभी पार्ट्स को हम एक जगह रखते जाएंगे, कोई भी पार्ट हमारा घूमना नहीं चाहिए क्योंकि ये पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट है मशीन के लिए। इस तरह से इसको सेट कर लेना है और इसको टाइट पकड़ना है, नहीं तो यहाँ से ये खुल जाता है। इसके बाद हम इसमें स्पैनर लगाएंगे, खोल रहा है, इसके बाद हम थोड़ा सा और यहां से ठोकर मार देंगे, ये हमारा साइड कवर रिमूव हो गया है। अब इसमें ये बैरिंग लगा हुआ है, बैरिंग को हम बाद में रिमूव कर लेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको हम इस असेंबली को पूरा निकालेंगे बाहर, और इसमें क्या है कनेक्शन है तो कनेक्शन को भी हम रिमूव करेंगे, तो कनेक्शन हम आपको बाद में एक्सप्लेन करेंगे, सबसे पहले हम इसको रिमूव कर लेते हैं। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आप जो भी इस तरह के नट बोल्ट खोलते हैं इसको तुरंत हो सके तो उसके स्थान पे लगा दें, इनको हम इस तरह से जो करते हूँ फिट करते चलेंगे।
अभी तक आपने जो भी मशीनें देखी होंगी या पढ़ी होंगी बुक के बुक में डायग्राम देखे होंगे, उसमें आपने देखा होगा कि उसमें सिर्फ दो ही ब्रश दिखाए जाते हैं, लेकिन इसमें चार ब्रश हैं। ये कम्यूटेटर है और उसमें ये चार ब्रश लगे हुए हैं। इसमें चार ब्रश क्यों हैं इसका हम कारण आपको बताएंगे लास्ट में, और ये जो कनेक्शन है इसको भी हम लास्ट में एक्सप्लेन कर देंगे। अभी हम क्या करेंगे इसके सारे पार्ट्स को रिमूव करते जाएंगे। तो ये हमने इसका बैक एंड कवर रिमूव किया है, अब इसके बाद हम करेंगे फ्रंट एंड कवर। ये शाफ्ट आगे रहती है, इसमें यहाँ कपलिंग रहती है, तो ये इसका फ्रंट होता है और इसका बैक होता है। तो फ्रंट साइड जो इसका एंड कवर लगा रहता है इसको बोलते हैं फ्रंट एंड कवर, इसको भी हम रिमूव करेंगे। ये आराम से निकल आया। और आपको एक चीज और ध्यान रखना है, जब भी इस तरह से आप आर्मेचर को बाहर करें, किसी भी मोटर को हो, आर्मेचर निकालते समय आपको एक सावधानी रखनी है, इसको इसमें बाइंडिंग है, बाइंडिंग में टच नहीं करना है, इसलिए इसको आराम से ऊपर उठा के धीरे धीरे निकालना है और ये कहीं पे भी टच नहीं होना चाहिए। ये हमने आर्मेचर को निकाल दिया है, ये हमने फैन को भी रिमूव कर लिया है, इसको भी हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। यह स्टेटर है और स्टेटर में ये बाइंडिंग है, यहाँ इसके कनेक्शन होते हैं, और ये है चार पोल वाली कंपाउंड मोटर। ये आप देख सकते हैं इसमें एक पोल, दो पोल, तीन और चार, और इसके बीच में ये लगे हुए हैं इंटरपोल, एक दो तीन चार। हम इसको भी रिमूव करेंगे, बाइंडिंग पूरी रिमूव करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो वायर में केबल टाई लगी हुई है इनको सबको रिमूव कर लेंगे और हम सारे वायर अलग कर लेंगे। इनको सेफ्टी के साथ कट करना है, बाइंडिंग कटनी चाहिए। इसके जो कनेक्शन रहेंगे वो इस तरह से रहेंगे कि इसका एक जो यहाँ से कनेक्शन आया है, ये आया है आपका इस टर्मिनल से, और इसकी कंटिन्यूटी बताएगा वो इसमें, ये आया है डायरेक्ट टर्मिनल से जो कि इसमें दो वायर कनेक्ट है, और इसका जो दूसरा टर्मिनल रहेगा यहाँ से, इस टर्मिनल का जो वायर आएगा, ये रेड कलर का जो वायर आया है, ये जाएगा इंटरपोल में, और इंटरपोल इसमें लगे हुए हैं चार, तो ये जो इंटरपोल का वायर है, इसका दूसरा वायर ये है, इस इंटरपोल में गया है, और यहाँ से इस तरह से ये सीरीज बनाता हुआ यहाँ से इंटरपोल का लास्ट वायर निकला हुआ है, ये इंटरपोल के साथ कनेक्ट रहता है। इसके बाद हम देखेंगे इसकी फील्ड वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग में ये जो ब्लैक कलर के वायर दिख रहे हैं, ये आए हैं हमारे सीरीज वाले कनेक्शन टर्मिनल से, तो ये सीरीज वाले कनेक्शन है, इसमें हम आपको कनेक्शन बाद में समझा देंगे, इसकी वाइंडिंग भी समझाएंगे, और ये भी इसी तरह से इसमें सीरीज में कनेक्ट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके ये पोल्स जो दिख रहे हैं आपको, इनको भी रिमूव करेंगे, पूरा ओपन कर देंगे, उसके बाद हम आपको कनेक्शन समझाएंगे लास्ट में। आर्मेचर हमने निकाल दिया है, इसके बाद हमने ये वायर भी इसके खोल दिए हैं, केबल टाई काट दी है, तो इनको निकालने से पहले हम क्या करेंगे, इसका टर्मिनल बॉक्स रिमूव करेंगे। इसके ये कनेक्शन है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी पूरा ओपन करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके कनेक्शन यहाँ से खोल देंगे। यदि आपको कंफ्यूजन होती है तो आप क्या करेंगे कि जो वन साइड है या टू साइड है, किसी एक को कुछ मार्क कर लें, जिससे आपकी उसमें पहचान बन जाए कि वन साइड कौन से टर्मिनल लगाना है। ये हमारा आर्मेचर का है रेड कलर का, पहले से हमने चेक कर लिया था। ये है आपका सीरीज का और ये है शंट का। पहचान के लिए आपको पता ही है कि जो पतले वायर होते हैं वो शंट के होते हैं, मोटा सीरीज का होता है, और इसमें ये रेड कलर का जो है वो आर्मेचर का है, और इसके हम ये वाले वायर भी खोल देंगे। ये हमने इसके सारे कनेक्शन हटा दिए हैं, ये हमारा टर्मिनल बॉक्स हट गया है। अभी हम क्या करेंगे, इन वायर को रिमूव करेंगे। रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इन वायर को निकाल देंगे। ये है सीरीज टर्मिनल का वायर, Thank you.
इस तरह से हमने इसके वायर निकाल दिए हैं। इस तरह से एक एक करके सारे वायर हम रिमूव कर लेंगे। आपको ध्यान रखना है कि ये जो पतले वायर हैं ये शंट वाइंडिंग के लिए है, और ये जो मोटा वायर है ये है सीरीज कनेक्शन के लिए। और आपको एक चीज़ और बता दें कि शंट वाइंडिंग में इसमें एलुमिनियम वायर यूज़ किया गया है और सीरीज में कॉपर वायर, ऐसे दोनों में कॉपर वायर होना चाहिए। और ये है आर्मेचर वायर। इसमें आप देख सकते हैं कि कुछ कार्बन लग गई है, कार्बन जैसा इसमें ये दिख रहा होगा आपको। इसमें ये कुछ दिन बाद यहाँ पे क्या है, कंटिन्यूटी समाप्त हो जाएगी, इसमें से करंट पास नहीं होगा। तो यदि आपके साथ ऐसी कभी कोई समस्या आती तो आप यहाँ चेक कर लें कनेक्शन। इस तरह से हमने इसके सारे टर्मिनल कनेक्शन निकाल दिए हैं। करेंगे ये बाइंडिंग रिमूव करेंगे। बाइंडिंग निकालने के लिए हमें क्या करने पड़ेंगे, ये पोल लगे हुए हैं तो इस पोल को हम रिमूव करेंगे। हमें क्या करना है, ये जो एलन की वाले बोल्ट लगे हैं इनको हमें खोलना पड़ेगा। तो इस तरह से हम हमने जो भी होल्स में ये इस तरह के जो बोल्ट लगे रहते हैं हमने सारे खोल दिए हैं। अब ये बोल्ट से फ्री हो चुके हैं पोल्स। हम क्या करेंगे, पोल को बाहर निकालेंगे। हम क्या करेंगे, पेचकस से इसको थोड़ा सा पोल्स को ऐसा आराम से, बाइंडिंग डैमेज नहीं होनी चाहिए, आराम से करना है इसको। थोड़ा इस साइड से भी करेंगे। इस तरह से हमारा पोल निकल के बाहर आ गया। इस तरह से हम ये सारे पोल रिमूव कर लेंगे। इस तरह से नीचे से पेचकस लगा के और हम ये पोल फ्री कर लेंगे। आपको इसमें बहुत ज़्यादा सेफ्टी रखना है, बाइंडिंग खराब ना हो पाए। इस तरह से हमने इसके सारे मेन पोल्स बाहर निकाल दिए हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, सारी वाइंडिंग को पूरा बाहर की तरफ खींच लेंगे। इसको भी ध्यान रखना है कि ये कहीं पे भी बॉडी में घिस ना जाए, तो इसको हम धीरे धीरे करके निकालेंगे। एक एक करके ऐसे थोड़ी वाइंडिंग बाहर आ जाएंगे। ये इसकी सारी वाइंडिंग हमने निकाल दी है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने डीसी मशीन के सभी पार्ट्स को खोल के रख लिया है। डीसी मशीन में दो चीजें होती हैं, एक होती है डीसी मोटर, दूसरा होता है डीसी जनरेटर। तो डीसी मोटर और डीसी जनरेटर की संरचना एक जैसी होती है, तो इसलिए हम इसको डीसी मशीन कहेंगे। आप डीसी जनरेटर या डीसी मोटर दोनों समझ सकते हैं। वैसे ये अभी हम जो ओपन करके रखे हैं ये डीसी जनरेटर है। सबसे पहले बात करेंगे हम योग की। ये जो आप देख रहे हैं इसको हम बॉडी कहते हैं, योग भी कहते हैं या फ्रेम बोलते हैं। इसको हम अभी स्टेटर नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होती है, बॉडी। इसका काम होता है मशीन के सभी पार्ट्स को असेंबल करके रखना, यानी कि एक
रक्षक आवरण की तरह इस्तेमाल किया जाता है इसको। दूसरा काम होता है इसका चुंबकीय पथ को पूर्ण करना। चुंबकीय पथ से मतलब होता है कि जैसे ये हमने अभी इसके अंदर एक पोल को लगा दिया है, दूसरा पोल को अभी यहाँ लगेगा, तो ये क्या करता है, जब ये पोल को इस तरह से इसमें लगा होगा तो चुंबकीय पथ कैसे पूर्ण होगा। चुंबकीय पथ पूरा करने के लिए क्या होता है कि इसके अंदर से जो फ्लक्स जाएगा वो इसमें से होता हुआ जाएगा और इसकी बॉडी से होता हुआ वापस आएगा, यानी कि इसकी जो बॉडी है ना ये चुंबकीय पथ को पूरा करती है। यदि इसको हम अलग रख दें, बॉडी में ना लगाएं, तो इसका और इसका संपर्क आपस में टूट जाएगा। लेकिन जब हम इसकी बॉडी में लगा देंगे तो इसका जो चुंबकीय फ्लक्स होगा वो आर्मेचर में से होता हुआ, दूसरे पोल में से होता हुआ और इसकी बॉडी से होता हुआ एक पूरा परिपथ पूर्ण करेगा। इसलिए हम बोलते हैं कि इसका काम होता है चुंबकीय परिपथ को पूर्ण करना। तो इस तरह से बॉडी के दो काम होते हैं, एक काम होता है इसका सभी पार्ट्स को स्थिर रखना, आर्मेचर को घूमने के लिए सेंटर में फ्री रखना, और दूसरा काम होता है इसका चुंबकीय परिपथ को पूर्ण करना, इसका योग का, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे स्टेटर की। स्टेटर में क्या होता है कि जब हम इसको पोल्स को लगा देंगे इसके अंदर, कैसे, जब इसके अंदर ये जो पोल्स लग जाएंगे तो ये पोल प्लस वाइंडिंग प्लस इसकी बॉडी, इसको कहेंगे हम स्टेटर। तो स्टेटर में क्या चीजें होती हैं, फील्ड कोर, वाइंडिंग एंड योक, ये तीनों चीजें मिलके कहलाती हैं स्टेटर। तो स्टेटर की कंफ्यूजन खत्म कर ली हमने, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स रहते हैं जो बॉडी को स्टेटर समझ लेते हैं। ये बॉडी कहलाती है जब इसमें फील्ड वाइंडिंग और पोल्स नहीं होती, लेकिन जब दोनों चीजें लग जाती हैं, फील्ड वाइंडिंग, पोल्स और बॉडी, तो ये तीनों चीजें मिलके क्या कहलाती हैं, स्टेटर। इसके बाद बात करेंगे हम फील्ड बाइंडिंग की। ये कहलाती है फील्ड बाइंडिंग, ये कहलाता है फील्ड कोर। फील्ड कोर के दो पार्ट होते हैं। पहले जो पुराने जमाने में जो मशीनें बनाई जाती थी उसका जो इतना हिस्सा है, ये वाला भाग यहाँ से लेके ये वाला, ये अलग होता था, और ये जो इसको बोलते हैं पोल्सू, ये जो आगे है पोल्सू अलग होता था, लेकिन आजकल ये दोनों मिलके बनाए जाने लगे हैं, इसको बोलते हैं पोल कोर, ठीक है। इसकी मोटाई के लिए भी कन्फ्यूजन होती है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग इसकी मोटाई दी जाती है, अभी हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे बाद में। तो इसको बोलते हैं यहाँ से, ये जो इतना हिस्सा दिख रहा है इसका, इसको बोलते हैं अपन पोल सू, क्योंकि इसकी जो संरचना है थोड़ी सी सूच की तरह होती है, इसलिए अपन को इसको अपन पोल सू बोलते हैं, इसको बोलते हैं पोल कोर। ये दोनों मिलकर क्या कहलाते हैं, फील्ड कोर, ठीक है। इसको क्योंकि हम फील्ड में लगाते हैं इसलिए इसको फील्ड कोर बोलते हैं। और ये बनाए जाते हैं लेमिनेटेड माइली स्टील से डीसी मशीन के अंदर, ठीक है। इनको कहते हैं हम इंटरपोल। इंटरपोल आप देख सकते हैं ये ठोस आयरन के बनाए जाते हैं, इनको हम लेमिनेटेड कोर से नहीं बनाते हैं, इस पर भी बाइंडिंग होती है, और ये जो बाइंडिंग है ये आर्मेचर के साथ सीरीज में कनेक्ट रहती है। हम बात कर रहे हैं कंपाउंड डीसी मशीन की, जिसमें ये जो बाइंडिंग है इसमें एक ही कॉइल के अंदर दो प्रकार की बाइंडिंग होती है। ये आपको ये जो मोटा वायर दिख रहा है ये कहलाता है सीरीज बाइंडिंग, और ये जो आपको पतला वायर दिख रहा है एल्यूमिनियम की बाइंडिंग कर दी इसमें, ये कहलाता है शंट बाइंडिंग। तो ये दोनों बाइंडिंग एक साथ की जाती हैं, जैसे आप इसमें देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा ये मोटा मोटा जो वायर है ये है सीरीज बाइंडिंग, और ये पतली वाली जो बाइंडिंग दिख रही है ये है शंट बाइंडिंग। दोनों बाइंडिंग एक ही कॉइल पे बनाई जाती है। और ये जो फील्ड बाइंडिंग है ये यदि हम इसके पोल को हटा दें तो ये जो आपको दिख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं इसको हम फील्ड वाइंडिंग बोलते हैं। एक दो तीन चार, इसमें चार वाइंडिंग है और चार ही पोल है, और ये सारी जो वाइंडिंग है आपस में सीरीज में कनेक्ट है। सीरीज में जब कनेक्शन किए जाते हैं तो ये जो सीरीज वाइंडिंग है वो सीरीज के साथ कनेक्ट रहेगी, और शंट वाइंडिंग है वो शंट के साथ सीरीज में कनेक्ट रहेगी। और इसमें भी आप देख सकते हैं कि ये जो शंट वाइंडिंग है पतले वायर से और सीरीज वाइंडिंग मोटे वायर से बनाई जाती है। इसमें ये जो दिख रही है आपको ये कोर कहलाती है, इसको तैयार कर दिया है। इस कोर की मोटाई अलग अलग बुक में अलग अलग दी जाती है, ये आप देख सकते हैं इसके कोर की मोटाई विथ लैमिनेशन ये है 0.75, जिसमें ये जो कोर की मोटाई है ये होगी लगभग 0.4, और जो लैमिनेशन है ये होगा 0.35। इसमें आप देख सकते हैं कि लेमिनेशन में जो मोटाई है वो है 0.35 और कोर की मोटाई है ये 0.4, और ये हमने अनुमानित बताई हुई है, इसमें हमें फिक्स पता नहीं है, लेकिन जिस तरह का बुक्स में दिया जाता है कि लेमिनेशन की मोटाई
0.35 से 0.6 तक होती है और कोर की मोटाई होती है 0.2 से 1 mm। ये अलग अलग बुक में अलग अलग दी जाती है तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन बनती है। तो इस तरह से आपने देखा कि फील्ड कोर का जो एक कोर होता है उसकी जो मोटाई है वो फिक्स नहीं है, अलग अलग बुक में अलग अलग दी है, लेकिन जब हमने मेजर किया तो लगभग इसकी मेजरमेंट इस तरह से हमें मिली हुई है। तो हमने आपको बताया कि ये कहलाता है पोल शू और ये कहलाता है पोल कोर, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं फील्ड कोर। और ये वाला जितना हिस्सा है पहले ये अलग बनाया जाता था, ठोस होता था, लेकिन अब ये लेमिनेट कोर से ही बनाया जाता है। लेकिन इसके अंदर आपको ये दिख रहा है ये ठोस आयरन ही है जो कि इसके आर पार इसमें लगा हुआ है और इसको ये रिविट है, चार रिविट से इसको सेट किया गया है। तो इस तरह से आपने देखा ये फील्ड कोर कंप्लीट हो गया। जो फील्ड वाइंडिंग आपको दिख रही है, फील्ड वाइंडिंग का काम होता है मैग्नेटिक फ्लक्स को जनरेट करना और मैग्नेटिक फ्लक्स के सेंटर में रहता है हमारा आर्मेचर। आर्मेचर जब मूवमेंट करेगा तो फ्लक्स के कारण इसमें क्या होगा ईएमएफ जनरेट होगा, जो कि हम थोड़ी देर बाद आपको और अच्छे से समझा देंगे। ये जो आपको पोल दिख रहे हैं इंटरपोल, इंटरपोल का काम होता है आर्मेचर रिएक्शन को कम करना या फिर ये जो कम्यूटेटर है इस पर जब स्पार्किंग होती है तो इसको कम करना होता है। अब बात करेंगे हम आर्मेचर की। आर्मेचर में आप देख सकते हैं क्या क्या चीजें होती हैं। आर्मेचर में सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं ये है शाफ्ट जो कि यहाँ से यहाँ तक इसमें लगी हुई है। शाफ्ट के ऊपर लगाई जाती है कोर, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो लगा हुआ है इसको बोलते हैं कोर। जैसा कि आप इसको छोटे आर्मेचर में देख सकते हैं ये इतना ये कोर कहलाता है, तो ये आर्मेचर में सेट रहता है। तो इतना जो हिस्सा है इसको बोलते हैं कोर, क्योंकि ये आर्मेचर पर लगा हुआ है इसलिए इसको हम बोलते हैं आर्मेचर कोर। जैसे हमने आपको बताया था ये फील्ड में थे इसलिए इसको बोलते हैं फील्ड कोर और इसको बोलेंगे हम आर्मेचर कोर। आर्मेचर कोर में ये जो आपको कॉपर की वायर देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग के सारे कनेक्शन किए जाते हैं इस कम्यूटेटर पे। इसकी जो पूरा आपको दिख रहा है यहाँ से ये पूरा आपको इसको बोलते हैं कम्यूटेटर। ये आप देख सकते हैं कम्यूटेटर इस तरह से लगा रहता है। तो आपको ये जो पूरा कम्यूटेटर दिख रहा है, कम्यूटेटर में ये जो छोटे छोटे आपको कॉपर के स्ट्रिप दिख रही हैं ये कहलाती हैं सेगमेंट, और इसके सेगमेंट के बीच में भरा रहता है कोई अचालक पदार्थ। अचालक पदार्थ के रूप में इसमें अभ्रक भरा जाता है और ये जो कम्यूटेटर है इस शाफ्ट से इंसुलेटेड रहता है। इंसुलेटेड का मतलब होता है इसमें जो चालकता होगी वो हमें शाफ्ट पे नहीं मिलेगी। तो शाफ्ट और कम्यूटेटर के बीच में क्या होता है इंसुलेशन, ठीक है। और ये जो हमने आपको बताया ये जो सेगमेंट होते हैं ना इसी सभी सेगमेंट से टच में रहता है कार्बन ब्रश, ये हम बाद में आपको बताएंगे। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि ये जो कॉइल आपको दिख रही है, कॉइल की जब हम बाइंडिंग करते हैं तो कॉइल का जो लास्ट सिरा होता है जब हम इसमें यहाँ लगाते हैं, जैसे कि हमने इसमें यहाँ फंसा दिया है, तो इसको बोलते हैं कम्यूटेटर राइजर। यहाँ पे हम कनेक्शन कर रहे हैं इसको बोलते हैं राइजर और इसको हम बाद में सोल्डर कर देते हैं, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं। इसमें आर्मेचर बाइंडिंग के सभी एंड कनेक्शन हमने कहाँ दिए हैं राइजर में, और राइजर में उसके बाद हमने सोल्डर कर दिया है। इसके बाद आपको ये दिख रहा होगा थ्रेड धागा, इसको हमने बाइंड कर दिया है। इसको हमने इसलिए बांधा है ताकि इसकी जो आर्मेचर वाइंडिंग है जब आर्मेचर घूमता है बहुत ज़्यादा स्पीड से घूमेगा तो इसके आर्मेचर की जो वाइंडिंग है बाहर की तरफ ना फैले, और इसको ये धागा अपने अंदर बांध के रखें ताकि इसकी जो वायर है यहाँ से उखड़ ना सके। नहीं तो क्या होगा, अगर हमने इसको ऊपर से धागे से नहीं बांधा तो इसकी वाइंडिंग बाहर की तरफ फैलेगी और इसके जो कनेक्शन है यहाँ से उखड़ने की संभावना बन जाती है। तो आपने देखा कि ये बाइंडिंग के कनेक्शन हमने कम्यूटेटर में किए और इसको हम राइजर बोलते हैं, इसको सेगमेंट बोलते हैं, सभी सेगमेंट एक दूसरे से इंसुलेटेड रहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम आर्मेचर में ये जो आपको दिख रहा है कूलिंग फैन। कूलिंग फैन इसका आर्मेचर के साथ ही अटैच रहता है जो शाफ्ट पे लगा रहता है, जबकि आपने देखा होगा एसी मोटर में इसका जो फैन है वो एंड कवर के बाहर लगाया जाता है, लेकिन डीसी मशीनों में इसका जो कूलिंग फैन है ये आर्मेचर के साथ मोटर के अंदर ही लगता है। इसका हमने प्रैक्टिकल अलग से किया हुआ है। इसमें क्या होता है कि इसका जो कूलिंग फैन है ये आर्मेचर को ठंडा करने के लिए लगाया जाता है, प्लस में साथ में इसकी स्टेटर की वाइंडिंग को भी ठंडा रखता है। लेकिन एसी मोटर में आर्मेचर की जगह पे रोटर होता है और इसका जो कूलिंग फैन है वो स्टेटर को ठंडा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये आपको जो दिख रहा है ये है बैरिंग, इसको बॉल बैरिंग बोलते हैं। तो ये दोनों साइड लगा रहता है। ये जो आपको दिख रहा है ये जो बीच में कटिंग है इसको बोलते हैं स्लॉट। स्लॉट होते हैं तीन टाइप के, एक होता है क्लोज, एक होता है सेमी क्लोज और एक होता है ओपन।
तो ये जो हमने आपको जो दिखाया है ये है सेमी क्लोज, जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं ये पूरा ओपन नहीं है और पूरा क्लोज भी नहीं है, बीच में देखो आपको दिख रही है कटिंग है। तो अगर आपको ये जो बीच में दिख रही है ये नहीं होती, ये पूरा वी आकार का होता, यदि ये इस तरह का होता तो इसको बोलेंगे हम ओपन, लेकिन जब ये होती है इस टाइप से तो ये कहलाती है सेमी क्लोज, और जब ये होती है इस टाइप के स्लॉट तो ये कहलाता है क्लोज। क्लोज में क्या होता है, हमें वायर डालने पड़ते हैं यहाँ से और यहाँ से निकालने पड़ते हैं, हम इसके ऊपर से वाइंडिंग नहीं कर सकते हैं। तो ज्यादातर यूज जो स्लॉट होते हैं वो होते हैं सेमी क्लोज। सेमी क्लोज में क्या होता है, सेमी क्लोज में हमें ये बेनिफिट मिल जाता है कि इसमें हम जब बाइंडिंग करते हैं तो बाइंडिंग हम ऊपर से आराम से कर सकते हैं, और ये जो आपको दिख रही है बाइंडिंग के ऊपर ये लगे हैं ये बेस कहलाते हैं, इंसुलेटर होते हैं ये क्या करते हैं बाइंडिंग को अंदर स्थिर रखते हैं, वायर को बाहर नहीं निकलने देते। आर्मेचर में दो प्रकार की बाइंडिंग की जाती है, एक होती है लैप बाइंडिंग और एक होती है वेब बाइंडिंग। लैप बाइंडिंग में क्या होता है कि जब हमें ज्यादा करंट की जरूरत होती है तो हम लैप बाइंडिंग करते हैं, लेकिन जब हमें वोल्टेज ज्यादा चाहिए होता है तो वेब बाइंडिंग करते हैं। और इसमें ये जो आप देख रहे हैं कोर की मोटाई जो रखी जाती है 0.3 से 0.5 mm तक रखी जाती है, और अलग अलग मशीनों में इसकी साइज अलग अलग हो सकती है। जैसे इसमें ये आप देख सकते हैं इसकी मोटाई बहुत कम है, इसकी मोटाई इससे थोड़ी सी ज्यादा है, अलग अलग मशीनों में थोड़ी आगे पीछे हो जाती है। ये कहलाते हैं एंड कवर, जो कि आर्मेचर को स्थिरता देते हैं। इसका ये जो बैरिंग है वो एंड कवर के यहाँ पे फिट हो जाता है। ये दूसरा एंड कवर है, ये दो होते हैं फ्रंट एंड कवर एंड बैक एंड कवर। जो फ्रंट में लगा होता है ड्राइव एंड साइड तो उसको बोलते हैं हम फ्रंट एंड कवर, एंड उसके पीछे जो लगा रहता है वो होता है बैक एंड कवर। ये जो इसमें कवर लगाया जाता है ये लगाया जाता है ताकि इसके अंदर सेफ्टी रहे, कचरा अंदर ना जाए, लेकिन इसके बीच में आपको ये दिख रहा होगा ये छोटे छोटे से होल हैं, इनको बोलते हैं डक्ट। एयर जाना जरूरी है ताकि ये आर्मेचर ठंडा रहे। अब बात करते हैं हम कार्बन ब्रश के बारे में। ये जो आपको पूरा सेट दिख रहा है इसको हम बोलते हैं ब्रश असेंबली या रॉकर प्लेट, जो कि बेकलाइट या चीनी मिट्टी की बनाई जाती है। ये जो आपको दिख रहे हैं इनको बोलते हैं हम कार्बन ब्रश, इसको बोलते हैं पिकटेल, और ये क्या कहलाते हैं लग्स। तो ये क्या करता है, ये संपर्क में रहता है कम्यूटेटर के, ठीक है। कम्यूटेटर में यदि हम बात करें जनरेटर की तो जनरेटर में क्या होगा, इसमें करंट जनरेट होगा, ये में जनरेट होगा, तो वो हमें चाहिए बाहर कहाँ पे, टर्मिनल प्लेट पे। तो ये इसके अंदर जो करंट जनरेट होगा तो वो क्या होगा, वो जाएगा कम्यूटेटर में, कम्यूटेटर में से हमें चाहिए करंट बाहर कहाँ पे, टर्मिनल बॉक्स पे, इस टर्मिनल पे हमें चाहिए उसका ईएमएफ। लेकिन ये क्या कर रहा है, ये मूवमेंट कर रहा है, ये घूम रहा है, तो घूमने से क्या होगा कि इसमें अगर हम कहीं भी कोई केबल कनेक्ट करेंगे तो ये घूम नहीं पाएगा। इसके लिए फिर दूसरा क्या व्यवस्था बनाई गई है, इसके लिए हम क्या करते हैं कि इस तरह के कार्बन ब्रश यूज करते हैं जो इससे टच में रहते हैं, और ये क्या करता है ये घूमता रहता है और कार्बन ब्रश स्थिर रहते हैं, लेकिन इसके अंदर जो करंट होगा वो कार्बन ब्रश में आ जाएगा, और ये केबल जो है इसकी लीड इससे क्या होगा, इसमें कनेक्शन करके हम टर्मिनल बॉक्स में कनेक्ट कर देंगे। तो इसके अंदर जितना भी करंट होगा वो कहाँ आ जाएगा, टर्मिनल बॉक्स पे आ जाएगा। ये जनरेटर की बात कर रहे हैं। अगर बात करें हम मोटर की तो मोटर में क्या होगा, हम इसमें करंट देंगे और करंट कहाँ पहुंचाना है हमें, इसके आर्मेचर में। तो सेम प्रोसेस वही होगी, यहाँ से करंट जाएगा इस लीड में, लीड से कार्बन ब्रश में, कार्बन ब्रश से जाएगा कम्यूटेटर में, कम्यूटेटर से जाएगा इसकी आर्मेचर बाइंडिंग में। तो ये इस तरह की सेटिंग रहती है, इसको बोलते हैं हम ब्रश होल्डर। जैसे कि मैंने बताया ये कार्बन, कार्बन में ये पिकटेल, ये हो गया ब्रश होल्डर, ये इस तरह से इसमें लगे रहते हैं, और ये क्या करते हैं ये इसके अंदर ऐसे सेट रहते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसके जो कार्बन ब्रश हैं ये कम्यूटेटर में ये टच हो गए हैं। तो इस तरह से ये क्या होगा, ये बिल्कुल फ्री रहेगा, और ये क्या होगा आर्मेचर घूमता रहेगा और ब्रश अपनी जगह पे इस तरह बने रहेंगे, और कंटिन्यूटी मिलती रहेगी कहाँ पे, ब्रश में, यानी कि इसका जो करंट है वो कार्बन ब्रश के माध्यम से बाहर निकल आएगा और आर्मेचर ऐसे घूमता रहेगा। एक चीज़ और बता दें आपको कि छोटी जो मशीनें होती हैं उसमें ये कार्बन के ब्रश बनाए जाते हैं या ग्रेफाइट के, बड़ी मशीनों में धातुओं के ब्रश यूज किए जाते हैं, धातुओं में इस्तेमाल किया जाता है कॉपर, और कुछ ब्रश होते हैं वो ग्रेफाइट के भी बनाए जाते हैं, लेकिन ग्रेफाइट ज्यादा यूज नहीं किया जाता है। अब एक सवाल आता है कि ये जो ब्रश हैं ये कार्बन के ही क्यों बनाए जाते हैं, जैसा कि आप ये देख सकते हैं कम्यूटेटर है जो कि कॉपर का बनाया जाता है। यदि हम ब्रश की जगह पे कोई हार्ड पदार्थ का ब्रश यूज करें तो होगा क्या कि ये जो घिसेगा, लेकिन साथ में कम्यूटेटर भी घिसता जाएगा। ये कॉपर का कम्यूटेटर है, ये कार्बन से हार्ड है, तो होता क्या है कि अगर हमने ब्रश कार्बन की यूज किए हुए हैं तो कार्बन का ब्रश घिसता जाएगा, लेकिन कम्यूटेटर सेगमेंट
घिसेंगे लेकिन बहुत कम घिसेंगी और ये सालों साल चलते रहेंगे, बार बार हमें बदलने की जरूरत पड़ेगी ब्रश को। तो ब्रश तो हम बदल सकते हैं क्योंकि ये सस्ते आते हैं, 10-50-100, ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए का खर्चा होता है। तो क्या होगा कि ये जो कम्यूटेटर है ये महंगा पड़ता है, मार्केट से हम इसको खरीदेंगे तो ये महंगा पड़ेगा, इसको हम चेंज करेंगे तो भी ये बहुत थोड़ा सा कठिन होता है, इसको हमें पूरा निकालना पड़ेगा, बाइंडिंग को यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा, फिर इसको सेट करना पड़ेगा, दोबारा से पूरे बाइंडिंग के एक एक कनेक्शन सही जगह पे करने पड़ेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें इतने सारे कम्यूटेटर सेगमेंट हैं, ये राइजर है, इतने सारे कनेक्शन करने हैं। अगर हम दूसरा कम्यूटेटर इसमें लगाएंगे तो कितना मुश्किल होगा हमें दूसरी बार कम्यूटेटर को सेट करना और इसके कनेक्शन करना। साथ में ये महंगा भी आता है मुकाबले में कार्बन के, जबकि ये कार्बन ब्रश बदलना बहुत आसान होता है, इसको हम ऐसे आराम से कार्बन ब्रश को ऐसे फंसा सकते हैं और ये बहुत सस्ते आते हैं। चारों ब्रश की कीमत मैक्सिमम 50-60 मैक्सिमम 100 रुपए हो सकती है, लेकिन इसको बदलना बहुत महंगा भी पड़ता है और बहुत ज़्यादा कठिन भी होता है, और साथ में अगर एक भी कनेक्शन उल्टा सीधा लग गया तो और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इसीलिए कार्बन के ब्रश बनाए जाते हैं और कम्यूटेटर को सुरक्षित रखा जाता है घिसने से, तो कम्यूटेटर नहीं घिसेगा, कार्बन ब्रश घिस जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसके टर्मिनल बॉक्स के बारे में। टर्मिनल बॉक्स में इसमें आप देख सकते हैं कि 6 टर्मिनल हैं, A1 A2 इसके होते हैं आर्मेचर के, आर्मेचर में जो इसके कनेक्शन होंगे वो यहाँ पे किए जाएंगे। इसके बाद ये जो होते हैं ये होते हैं शंट वाइंडिंग के लिए और ये होते हैं सीरीज वाइंडिंग के लिए, और ये दोनों में ही होता है, मोटर में भी होता है और जनरेटर में भी होता है। हम बात कर रहे हैं फिलहाल अभी कंपाउंड मशीन के बारे में या कंपाउंड जनरेटर के बारे में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा ये जो मशीन है इस मशीन के मेटल के बारे में या पदार्थ के बारे में, कौन सा पार्ट्स किस मेटल से बनाया जाता है। ये जो बॉडी है, बॉडी बनाने के लिए जो छोटी मशीनें होती हैं उसमें कास्ट आयरन यूज किया जाता है, बड़ी मशीनों में ये कास्ट स्टील यूज किया जाता है बॉडी बनाने के लिए। शाफ्ट जो होती है ये होती है सॉफ्ट आयरन की, और इसका जो कोर होता है, ये कोर की बात कर रहे हैं हम, आर्मेचर है, ये होता है सिलिकॉन स्टील का, ये होता है हार्ड कॉपर का। इसकी बात कर रहे हैं कम्यूटेटर, कम्यूटेटर बनाया जाता है हार्ड कॉपर का ताकि ये हार्ड रहे और जल्दी ना घिसे। अब इसके बाद बात करते हैं इसके एंड कवर की, तो ये एंड कवर जो है ये भी बनाए जाते हैं कास्ट आयरन के, और इसका जो ब्रश असेंबली है ये बेकेलाइट का बनाया जाता है जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, और आपको शुरू में भी मैंने बता दिया था कि इसके जो फील्ड कोर होते हैं वो माइल्ड स्टील के बनाए जाते हैं। फील्ड वाइंडिंग को फील्ड कोर के साथ हम बॉडी में फिट कर देंगे। इसमें आप देख सकते हैं कि इंसुलेशन पेपर लगाया जाता है ताकि बाइंडिंग बॉडी से टच ना हो। इसमें इस तरह के बोल्ट कसे जाते हैं, इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमने अभी इसमें फील्ड कोर फील्ड वाइंडिंग के साथ लगा दिए है, अभी हमने टाइट नहीं किए हैं। इसके बाद हम इसके बीच में इंटरपोल लगाएंगे, इंटरपोल को हम इस तरह से फंसा देंगे और इसके बीच में हम बोल्ट लगाएंगे। इस तरह से हमने सारे इंटरपोल फील्ड वाइंडिंग के बीच में फंसा दिए हैं। इसके बाद हम Yeah.
इस तरह से हमने सभी वाइंडिंग को पोल कोर के माध्यम से सेट कर लिया है। ये होते हैं इसके कनेक्शन। जैसा कि आप जानते हैं जो बॉडी होती है, बॉडी योकिया फ्रेम जिसको हम बोलते हैं, इसके दो कार्य होते हैं। एक कार्य होता है आर्मेचर को और सभी पार्ट्स को स्थिरता प्रदान करना, आर्मेचर को इसके सेंटर में रखना, ये तो है ही। दूसरा कार्य है इसका चुंबकीय फ्लक्स को पथ प्रदान करना। ये चुंबकीय फ्लक्स को पथ प्रदान कैसे करता है? जब हम इसमें करंट देते हैं फील्ड वाइंडिंग में, तो ये जो पोल हैं इनमें क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। लेकिन जैसे मान लेते हैं ये एन हो गया, ये एस हो गया, ये एन होगा, ये एस होगा, दो एन दो एस होते हैं, तो कोई भी पोल अपने आप में ना तो एन हो सकता है ना दूसरा एस हो सकता है। ये दोनों पोल आपस में जब चुंबकीय क्षेत्र द्वारा जुड़ते हैं तभी इनमें से एक एन बनेगा दूसरा एस बनेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये दो पोल आपको दिख रहे हैं, इसको जैसे मान लेते हैं हम एन, इसको मान लेते हैं एस। होगा क्या कि जब इसके अंदर चुंबकीय फ्लक्स बनेगा तो ये क्या करेगी, जो बॉडी है इसके अंदर से फ्लक्स जाएगा, इस बॉडी से होता हुआ जाएगा और इस पोल के द्वारा वापस निकलेगा। तो इस तरह से ये पूरा परिपथ पूर्ण होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का। इसीलिए हम बोलते हैं कि डीसी मशीन में इसकी जो बॉडी होती है चुंबकीय फ्लक्स को पथ प्रदान करती है। जैसा आप इस ड्राइंग में देख रहे हैं बीच में जो है ये इंटर पोल है और ये है फील्ड पोल, जिसमें आप देख सकते हैं एन एस एन एस। आप जानते हैं कि एन एक स्वतंत्र पोल नहीं हो सकता, जैसे आपको इसमें दिख रहा है कि इसको जैसे मैंने बोला कि इसको एन मान लेते हैं, ये एन अकेला नहीं हो सकता क्योंकि ये एक पोल है, दूसरा पोल एस ए है। तो एन और एस दोनों की जब तक जोड़ी नहीं बनेगी तब तक इसका परिपथ पूरा नहीं हो सकता। तो परिपथ कैसे पूरा होता है, ये आर्मेचर है, एन के जो चुंबकीय फ्लक्स बनेगा वो आर्मेचर में से होता हुआ एस से गुजरेगा, ठीक है। और ये क्या होगा, ये बॉडी में से होता हुआ यहाँ से वापस होगा। क्या होता है कि चुंबकीय जो बल रेखा है, चुंबकीय बल रेखाएं एक बंद परिपथ बनाती है, खुला परिपथ नहीं हो सकता इसका कि यहाँ से निकली और यहाँ चली गई, नहीं। ये जब तक पूरा परिपथ पूर्ण नहीं करती है तब तक चुंबकीय फ्लक्स का कोई महत्व नहीं होता है और ना ही ये बन सकती है। तो मैग्नेटिक जो वेव होती है वो एक जगह से निकलेंगी और दूसरी जगह से होते हुए वो पूरा परिपथ पूर्ण करती है। तो आप इसमें देख सकते हैं फ्रेम में या योक में कि ये जो यहाँ से मैग्नेटिक फ्लक्स निकल रहे हैं और भी आर्मेचर में से होती हुई इसके बॉडी में से यहाँ पे पूरा परिपथ पूर्ण करती हैं। और यहाँ पे क्या होता है, जितनी ये जो मैग्नेटिक वेव है इसमें आर्मेचर घूम रहा है तो आर्मेचर में ये करंट जनरेट कर देती है। और इसका काम क्या होता है, ये जो आपने देखा पोलसू का, पोलसू क्या करता है, ये इसको फ्लक्स को ऐसे फैला देता है, यहाँ से जाएगा फिर यहाँ से होता हुआ पूरा परिपथ पूर्ण करता है। और क्या होगा कि ये जो आधा फ्लक्स इस साइड जाएगा फिर आधा फ्लक्स इसका ऐसे जाएगा और ये बॉडी में से वापस आएगा। इसी तरह से इसका जो फ्लक्स रहेगा वो ऐसा बॉडी में से यहां से वापस आएगा, दूसरी चुंबकीय रेखाएं ऐसी ऐसी होती हुई जाएंगे। तो ये पूरा क्या होता है, मैग्नेटिक परिपथ पूर्ण हो जाता है और यहां पे भी इसी तरह से बनेगा, इस तरह से चुंबकीय फ्लक्स जनरेट करता है और आर्मेचर इस फ्लक्स में मूव करता है और उसके कॉइल में करंट जनरेट होता है या मोटर होती है तो उसमें बैक ईएमएफ जनरेट होता है। इस तरह से आप समझ गए होंगे कि इसमें जो दो पोल आपको ये दिख रहे हैं, दो ऊपर दिख रहे हैं, तो इनका आधा फ्लक्स इस तरफ जाएगा और इसका आधा फ्लक्स यहाँ ऊपर जाएगा। उसी तरह से ये भी आधा फ्लक्स इसका ऊपर जाएगा, यानी कि इसके जो पोल दिख रहे हैं आपको फील्ड पोल, इसका आधा फ्लक्स बाजू में जाता है, दूसरे का दूसरे में जाता है और इस तरह से इसका पूरा परिपथ पूर्ण हो जाता है। ये ठीक एक मैग्नेट जैसा होता है, जैसे इसमें एक एन होता है एक एस होता है, इसमें भी बल रेखाएं ऐसे ही जाती हैं। तो आपको पता है कि ये जो बल रेखाएं हैं ये यहाँ खत्म नहीं होती, ये इसका पूरा एक परिपथ पूर्ण होता है इस तरह से। और मैंने आपको बताया कि जैसे इसमें एक यहाँ पे एन लिखा है और ये एस लिखा हुआ है, ये अगर अपन बीच में से तोड़ देते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, एस, और यहाँ लिखा जाएगा एन, क्योंकि कोई भी एक पोल स्वतंत्र अवस्था में नहीं हो सकता है। ये जो बीच वाला जैसे ये एन है एस, तो ये जो बीच का इसको जोड़ने वाला है फ्लक्स को यहाँ से गुजरने देता है, ये बॉडी करती है। यहाँ पे बॉडी क्या करती है, दोनों पोल को आपस में जोड़ देती है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि योग किस तरह से चुंबकीय फ्लक्स को कैसे एक पथ प्रदान करता है। और ये भी आप देखें कि ये एंड कवर होते हैं, एंड कवर आर्मेचर को इस तरह से रोटेट होने के लिए फ्री रखते हैं, ये बैरिंग है जो कि एंड कवर में और आर्मेचर में लगे रहते हैं और आर्मेचर इस तरह से घूम सकता है। और एंड कवर का एक और काम क्या है कि जो आर्मेचर है, आर्मेचर रोटर को स्टेटर के जस्ट सेंटर में, ठीक सेंटर में रखना होता है और इसके जो फील्ड पोल्स हैं इनके बीच में गैप को बराबर रखना होता है।
गैप है, कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। आर्मेचर कोर है, ये फील्ड कोर में टच नहीं होने चाहिए, नहीं तो ठीक से घूम नहीं पाएगा, और गैप भी कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसके लिए इसको एंड कवर के बिल्कुल जस्ट सेंटर में रखा जाता है और ये फ्री घूम सके, इसलिए इसमें वेयरिंग यूज किए जाते हैं। कौन से मोटर है? कंपाउंड मोटर। ठीक है, कंपाउंड मोटर के जो कनेक्शन है वो अच्छे से समझ लो, नहीं तो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा बन जाती है। इसको भी थोड़ा सा हटा लेते हैं। इसमें देखो, जैसे A1, A2, E1, E2, D1, D2, ये आर्मेचर के होंगे, ठीक है, होंगे शंट के होंगे और ये सीरीज के। ठीक है, तो अपन को इसमें ये कनेक्शन करने होते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम पहले इसको ड्राइंग के माध्यम से समझ लेते हैं। ये आर्मेचर है, आर्मेचर में ये आप देख सकते हैं चार ब्रश है इसमें, तो चार ब्रश वाला है, क्योंकि ये जो मोटर है ये फोर पोल मोटर है। ठीक है, या फोर पोल मशीन है। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? डीसी मशीन। कौन सी? कंपाउंड। कंपाउंड में कौन सी बाइंडिंग होती है? एक तो सीरीज होती है, दूसरा शंट होती है, और ये कौन सी है? ये है इंटरपोल बाइंड। ठीक है, तो इसकी कनेक्शन कैसे होंगे? जैसे इसमें ये कितने हैं? चार ब्रश होते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे ये दिख रहा है ऐसे, इसमें ये दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले कनेक्शन कर लेंगे सीरीज शंट के। ठीक है, तो सबसे पहले हम कर देंगे सीरीज के, ये इस तरह से कनेक्शन जाएंगे, तो ये हमारी सीरीज कनेक्शन हो गए। उसके बाद हम कर देंगे शंट के। अब ये सीरीज शंट यहाँ पे खत्म हो गई है, अब हमें सिर्फ आर्मेचर के कनेक्शन करने हैं। आर्मेचर में हमें ये आर्मेचर के कनेक्शन और इंटरपोल के कनेक्शन साथ में करने हैं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें हमें कनेक्शन करने होते हैं ऐसे। यहाँ जो ब्रश है दिख रहा है, ये वाला ब्रश, इसका कनेक्शन हो जाएगा इसमें और ये चला जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब क्या बचा, अब हमारे पास एक पॉइंट ये बचा, एक ये और एक ये। अब यहाँ से जो एक वायर जाएगा, यहाँ से जंप होता होगा इसमें और यहाँ से ये। अब आपको यहाँ पे कितने वायर बच गए? दो। यहाँ से हम कनेक्शन देंगे, इसको यहाँ दे देंगे और इसको यहाँ दे देंगे। तो इस तरह से हमारे कनेक्शन है जो वो कंप्लीट हो जाती है, कनेक्शन कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, तो ये जो आपने ड्राइंग देखी, ड्राइंग में आपको समझ में आ गया होगा, ये सीरीज वाइंडिंग, ये शंट वाइंडिंग हो गई, और ये आर्मेचर की वाइंडिंग इंटरपोल में से होती हुई जाएगी। इंटरपोल में आप इसमें चार इंटरपोल आपने देखे हैं, तो चारों इंटरपोल इसमें सीरीज में कनेक्ट है, इसलिए हमने इसमें कनेक्शन इस तरह से किए हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन करेंगे का संड का। ठीक है, तो संड के लिए हम क्या करेंगे, पहले स्लिप डालेंगे एक। और अब हम क्या करेंगे, इस पे स्लिप चढ़ा देंगे, इसके बाद हम डबल स्लिप कर देंगे। है? हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया, एक कनेक्शन हो गया। ठीक है, अब इस पे करेंगे हम दूसरा, इसमें इसमें। ठीक है, इसमें भी अपन को एक स्लिप डाल लेनी है। लाइट इसके बाद हम इसको मोड़ देंगे। देखो दो गए, तो ये अपन मान लेते हैं इसको क्या, बंद। ठीक है, इस साइड वाले को अपन ने मान लिया बंद, और इस साइड का जो वायर है इसको मानेंगे टू। हमने क्या किया, देखो ये वाला जो बाइंडिंग है ये है अपना सीरीज। ठीक है, ये सीरीज का क्या है, D1। ठीक है, सीरीज का D1, और हमने लगाया है इस कॉइल से आया है जो है। इसके बाद ये है E1, यानी कि संट का कनेक्शन है इसमें, वो यहाँ से आया है। ठीक है, और इसके बाद इसका ये वाला जो कनेक्शन है वो आया है यहाँ से, ये E2 होगा और ये रहेगा D2। ठीक है, तो इसको अपन टेप कर देते हैं। हमने इनमें तीन में टेप लगा दी है, ये आर्मेचर E1, ये सीरीज D1 और ये संट E1। ठीक है, उसके बाद जो रहेंगे वो 2 होंगे, और ये आए हैं इस तरफ से। ठीक है, तो ये हमारा कनेक्शन यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। अब बचा इंटरपोल और दूसरा आर्मेचर। ठीक है, तो इसके लिए अभी अपन को एक वायर और है अपने पास, इसको लगाएंगे। ये जो वायर है ना, ये यहीं के यहीं पे लगेगा इंटरपोल में। ठीक है, Thank you.
हो गया, ये जो दोनों वायर हैं वो यहाँ पे कनेक्ट हो जाएंगे, और दो वायर जाएंगे यहाँ से और वो लग जाएंगे इसमें, ठीक है, वो लगेंगे यहाँ पे पास में। ठीक है, ये लग गया, इसमें डालेंगे अपन स्लीप। ये निकला है अपने दो बार, ठीक है, और इसका ये हो गया कनेक्शन, ठीक है। अभी अपन क्या करेंगे, एक वायर जाएगा यहाँ पे और एक आएगा यहाँ पे, ये जाएगा ऐसे, ठीक है, ये कहाँ गया, इसके सामने, और जस्ट ये घूम के आएगा यहाँ पे, हो गया चार, चार के लिए। अब जो ये वायर रहेंगे ना, इनको अपन लगाएंगे कैसे, इसमें, ठीक है, लेकिन ये बाद में लगाएंगे, पहले अपन लगा लेंगे इस पे टाई, केबल टाई, केबल टाई का मतलब होता है केबल को बांधना, ठीक है, इसलिए इसको हम केबल टाई बोलते हैं। और इसको हम कैसे लगा देते हैं, देखो जैसे ये है, तो हम इसको सभी केबल को एक साथ यहाँ से उठाएंगे और इसको यहाँ से ऐसे फंसाई और ऐसे खींच लिया, ठीक है, देखो ये लग गई, ऐसे ऐसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अब कहाँ लगाएंगे अपन, ये तो हो गया यहाँ के लिए, अब इसको यहाँ पे छोड़ देंगे, ठीक है, इसको यहाँ पे छोड़ देंगे और हम जाएंगे इसके साथ आगे। अब लगाएंगे कहाँ पे, यहाँ पे, ऐसे लगाया और इसको खींच लिया, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम थोड़ा सा नीचे आएंगे यहाँ पे, ये हो गया, ये यहाँ पे एक हमें चाहिए क्रॉस में, एक यहाँ पे और ये किसके अपोजिट, यहाँ पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे छोड़ देंगे, अब इसको कर लेंगे अपन क्या, शेप में ले आएंगे, ताकि इसमें जब अपन कवर लगाए थे ना ऊपर से, वो बिल्कुल आराम से फिट हो जाए, ठीक है। अभी अपन ने क्या किया, सब वायर को अपनी जगह पे सही से ठीक रख दिया है। अब इसको अपन थोड़ा सा और टाइट कर लेंगे, ज्यादा नहीं करना, नहीं टूट जाएगी, ठीक है। और ये जो टाई है ना, ये सिर्फ सिंगल यूज है, दूसरी बार यूज नहीं हो सकता इनका, ठीक है, आप कभी इसको दो बार यूज नहीं कर सकते। हो गया, ये है, इसको हम इस तरह से बस असेंबली को रख लेते हैं, ठीक है, और ये बस असेंबली लग गई। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सेट करेंगे, अब देखो आ रहा, बस आ रहा, थोड़ा सा बुझा, कनेक्शन अप करेंगे, ठीक है, ब्रश की। तो अभी अपन ब्रश को कैसे डालेंगे, उसको अपन को ऐसे करके ऐसे फंसा देना है, ठीक है, और ब्रश का अपन को इस तरह से सेटिंग करना है, ऐसे रखेंगे, ये क्रॉस लग गया, ठीक है।
लूज तो नहीं है, सही है। इस तरह से हम ये वाला बस भी लगा लेंगे। इस तरह से हमने सभी रोज के कनेक्शन कर दिए हैं। अब हम करेंगे इसके टर्मिनल कनेक्शन। जैसे कि हमने इसको वन मान लिया था, इसको टू मान लिया था, तो हम टू के कनेक्शन पहले कर लेते हैं। ये है संट, संट के कनेक्शन कहाँ होंगे, इसमें ए टू, ई टू, ई टू का कनेक्शन होगा इसमें। और इसके बाद ये डी टू, इसके बाद ये जो आर्मेचर का वायर है ये लगेगा ए टू में। सेम कनेक्शन इसके भी होंगे इसी तरह, ये संट का रहेगा जो कि ई टू में लगेगा। ये आर्मेचर का है तो आर्मेचर का लगेगा इसमें। तो ये है सीरीज का डी वन। इसके बाद हम इसको टाइप करेंगे। तो इस तरह से सभी 8 वोल्ट हमने अच्छे से टाइट कर दिए हैं। इसके बाद हम इसको बंद कर देंगे। इस तरह से हमने इसके टर्मिनल बॉक्स को फिट कर दिया है। ये हमारी मशीन हो गई है कंप्लीट। इसका जो नेम प्लेट है इसको भी हमें लगाना है और इसको हम ऑन करके देखेंगे। सी हमने क्या है कनेक्शन कर लिए हैं, ये ए वन ए टू, ई वन ई टू और डी वन डी टू के कनेक्शन हमने कर दिए हैं, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद हम इसको ऑन करके देखते हैं ये वर्क कर रहा है या नहीं। ऑन करो। आप देख सकते हैं इसमें रेड इंडिकेटर ऑन हो गया है जिसका आउटपुट सप्लाई गई है डीसी कंपाउंड मोटर्स में से होती हुई, सभी डीसी मोटर्स में गई है। तो ये इसने बोल बोल